हेलो जी, हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और यहाँ सुबह सुबह का हमारा चल रहा है कामकाज किचन का। तो पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मैं बनाने वाली हूँ मटर की सब्ज़ी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और काफ़ी सारे मटर भी पड़े हैं क्योंकि मेरे ससुराल से कल परसों आए हुए हैं और बच्चे ऐसे ही खा रहे हैं उनको, तो सोचा चलो आज इनकी पसंद की सब्ज़ी बनाई जाए। तो यहाँ पर जो भी हमारे सूखे मसाले हमें सब्ज़ी में डालने हैं वो थोड़े थोड़े मैंने कटोरी में मिला दिए हैं। लाल मिर्च थोड़ी सी कम लेनी है, बाकी सारे मसाले ले लिए हैं। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दिया है, चना मसाला भी डाल दिया है बस। और ये थोड़ा सा सौंफ का पाउडर है, सौंफ और जीरे का मिक्स कर पिसा हुआ है। तो बस इनको सबको मिक्स करने के बाद में इसको मिला देना है पानी के साथ और हम बनाएंगे इसको कुकर में। और हाँ फ्रेंड्स, आज सबको एक बात बोलना चाहती हूँ। आप मेरे वीडियो देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने मेरे व्यू आते हैं, मान लो 1000-1500 व्यू आते हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 20 और 30 व्यू रहते हैं यार, तो आप लाइक करना क्यों भूल जाते हो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप मुझे बताया करो कमेंट में कि आपकी वीडियो हमें अच्छी नहीं लगी तो मैं क्या चेंज करूँ वीडियो में, आप ये भी बताया करो। लेकिन ऐसे बिना लाइक के ना जाया करो, बहुत बुरा लगता है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। एक समय वो भी था कि चलो व्यू नहीं आ रहे थे, आज के समय में चलो व्यू आ रहे, थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया आप सबके प्यार और सपोर्ट से, पर फिर भी उसमें भी मैं खुश हूँ। लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ ऐसा ना करो। तो यहाँ पर हमारी मटर की सब्ज़ी बन गई है। खैर बातों बातों में एक सीटी ली है मैंने, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ भी तल दी है क्योंकि मटर की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ भी अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी ही पूड़ियाँ तली है, थोड़ा सा तेल रख दिया था मैंने कढ़ाई में और पूड़ियाँ तल दी है क्योंकि हस्बैंड जी को कहीं जाना है बाहर खाने में। तो यहाँ पर टिफ़िन भी मैंने पैक कर रख ही दिया है हाथों हाथ, और ये वाली कढ़ाई मैं ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि शाम को खाना बनाने में काम आ जाएगी। तो बस हम तीनों का ही माँ बेटों का खाना बनाना था। उसके बाद तुरंत मैं आ गई हूँ ऊपर। नीचे का मेरा झाड़ू लगा दिया है मैंने, पोछा नहीं लगाया है क्योंकि आज गुरुवार है। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ की साफ़ सफाई करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो आज ये वो दिन आ ही गया। और गुरुवार के दिन भी साफ़ सफाई नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जाले वाले नहीं झटक रही हूँ मैं। यहाँ पर हस्बैंड जी कल कुछ लेने आए थे सामान, और उनको ना छोटे छोटे चूहियाँ इतनी दिखी, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। और मैंने सोचा चलो यार, ये काफ़ी दिनों से सामान ऐसा कैसा पड़ा है और इनके नीचे पता नहीं क्या क्या घुस कर बैठ जाए, हमें पता नहीं चले। हालाँकि भगवान की दया से ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार इनको चेक कर ज़रूर कर लेती हूँ। और बहुत गुस्सा भी आता है यार कि इतना सारा अटाड़ा मैं साइड कर झाड़ू निकालती हूँ, बहुत गुस्सा आता है। तो मैं है ना किट्टू को बार बार बोल रही हूँ कि चाहे तेरे पापा को बुला के ला, वो मेरे हेल्प करेंगे, क्योंकि घर की पूरी साफ़ सफाई मैं अकेले कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई मेरे से अकेले से नहीं होती है क्योंकि इसमें कुछ सामान काम का होता है, कुछ ख़राब होता है, तो मैं शायद सब मिक्स कर देती हूँ, तो इस वजह से मुझसे नहीं बन पाता है यहाँ का। लेकिन हस्बैंड जी है कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो फिर यहाँ की जितनी भी सारी दवाई छाटने की टंकियाँ जो होती है, हमारे इधर के ग्राहक बहुत ये है क्या बोलते हैं, बस रख के भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों, पर फिर लेने नहीं आते। आते हैं 6 महीने में, साल भर में, कोई महीने 2 महीने बाद आता है, तब तक इन चीज़ों को हम संभाल कर रखो, बस यही चलता है हमारी इस दुकान का मामला। बाइक का काम करते हैं हस्बैंड जी, लेकिन ये वाली जो टंकियाँ देख रहे हो ना आप, मैंने अभी जमाई है, इनको भी ठीक करने का काम करते हैं। तो ये काफ़ी सारे ढेर पड़े हैं, तो इनको मैंने साइड में किया, फिर इनके नीचे से मैंने कचरा कूड़ा जो भी था निकाल दिया। उसके बाद में फिर एक और कोना में ले रही हूँ, जितने आ गए हस्बैंड जी कि क्या कर रही है, चिल्लाने लगे मुझे कि मेरे सारा सामान का मतलब जो काम का सामान है तू इधर उधर कर देगी, तो तू छोड़ दे ये सफाई, मैं कर लूँगा। अभी तो वो बोलकर चले गए क्योंकि अभी उनको जाना था खाने में, तो वो चले गए खाने में और उनको वो मना कर गए मुझे। मना तो कर दिया, लेकिन वही है ना कि मन है ना अपना रह नहीं पाता है कि यार इतना कचरा कूड़ा पड़ा है घर में,
तो मन है ना रह नहीं पाता है। तो उनके मना करने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया काम जैसा के जैसा, बस नीचे से थोड़ा थोड़ा झाड़ू ले रही हूँ। एक कोना साफ हुआ है, मतलब पूरा साइड का साफ नहीं हुआ रहा। हमारे चेरी की तो देखो कितने इंजॉय कर रहे हैं, मतलब इनको भी खेलने का मौका मिल रहा है कचरा कूड़े में, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि हाँ कचरे कूड़े में जहाँ जहाँ कचरा दिखेगा वहाँ जा के ज़्यादा खेलेंगे ये। और बस इनके लिए पानी भी गर्म होने के लिए रखाई थी मैं, तो जैसे इनका पानी गर्म होगा तो मैं इनको नहला धुला दूंगी। मेरा तो नहाना हो गया है आज, पता नहीं क्यों सुबह सुबह उठ के नहाने का मन किया तो नहा ली, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वापस से ये कचरा कूड़ा साफ करूंगी मैं। पर बहुत धूल मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी कि इतना ज़्यादा गंदा हो गई थी फिर मैं कि पूछो हिम्मत। और यहाँ का इतना सारा कचरा निकला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसमें से खासकर बस चूहों की जो होती है ना वही है बस, और कुछ नहीं है। और इतने सारे कचरे कूड़े में से भी मुझे जो है वो किले निकालनी है, लोहे का जो भी सामान है, क्योंकि वो हम सब लोहे में बेचते हैं, ये कचरे कूड़े में नहीं फेंक सकते हैं। तो एक तरफ से तो मुझे गुस्सा भी आता है कि यार यही लाइफ रह गई है कचरे कूड़े वाली, पता नहीं क्यों, पर इससे कब छुटकारा मिलेगा। मतलब ये है ना कि हस्बैंड जी ये काम करते हैं तो सारा कुछ इनका जो भी कचरा कूड़ा होता है वो बस पटक देते हैं छत पर, और मुझे ही सेट करना होता है इनको। अगर मैं सेट ना करूँ ना तो पूरी छत भर देंगे, एक पेड़ देने की भी जगह ना रखे। लेकिन मैं ही इनको सेट कर करके रखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैं उन पर बहुत चिल्लाती भी हूँ। फिर मेरे चिल्लाने के बाद वो कुछ कुछ चीज़ें सेट कर कर रखते हैं। तो यहाँ पूरा छत मेरी हो गई है क्लीन, जितना मैंने सोचा था उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन ये है कि चलो थोड़ा तो हुआ, बाकी तो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। और यहाँ पर फिर आगे जो चद्दर लगे हैं हमारे, काफ़ी मतलब 20-30 फीट के आगे चद्दर भी है, तो उस पर भी पतिदेव जी क्या करते हैं अटाड़ा फेंक देते हैं, जो प्लास्टिक आइटम होता है ना वो फेंक देते हैं। तो उनको भी मैं सब कुछ सेट करके रख रही हूँ। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है तो थोड़ा सा झाड़ू लगा ही देती हूँ, पता नहीं क्यों, पर धूल मिट्टी से मुझे इतनी एलर्जी है, बस मुझे कहीं पर भी दिखनी नहीं चाहिए। ये है मेरा कि कहीं मुझे दिखनी नहीं चाहिए धूल मिट्टी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से साफ़ हो पाया है। साफ़ सुथरा होने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। और ये टंकियाँ इतनी सारी जमा दी है मैंने, आधा तो नहीं हो पाया लेकिन आधा हो गया है बट। और गमलों के लिए मिट्टी रख रखी है अभी। हाय, क्या कर रहे हो आप? राधे राधे। तो कुछ इस तरीके से आज का साफ़ सुथरा तो हो गया है। और यहाँ पर थोड़ा चेंज किया है मैंने, यहाँ पर हमारे कार्टून जो है ना वो अब मैं यहाँ जमाऊंगी, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस खाली करा मैंने। और कार्टून जमाने यहाँ पहले इस कोने में रखती थी, जो यहाँ पर ये बाल्टी वगैरह पड़ी ना यहाँ रखती थी, लेकिन छत इतनी भर जाती थी तो फिर वहाँ रखूँगी अब चद्दर पर, जब भी अब कार्टून खाली होंगे तब। बाकी हालाँकि अभी कल परसों बेच दिए तो थोड़ी छत खाली खाली दिख रही है। मुझे है ना ऐसी छत बिल्कुल पूरी खाली पसंद है, लेकिन अब क्या करें, काम से तो हम छुटकारा नहीं पा सकते। खैर जो भी है वो तो चलता ही रहेगा यही लाइफ है। और यहाँ पर ये कैंपर है जो कि इसका नल पूरा ख़राब हो चुका था, तो फिर सोचा कि इसको है ना कुछ यूज़ ले लूँ, या तो इसमें गमला लगा दूँगी या तो फिर चिड़ियों के लिए पानी भर के रख दूँगी। तो मैं इसको काटने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे से नहीं हो पाया ये, तो फिर हस्बैंड जी को दिया कि इसको मशीन से ही आप काट दो, फटाफट हो जाएगा, मेरे से तो नहीं हो पाया, बहुत मेहनत करी लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। तो हस्बैंड जी ने फटाफट इसको काट दिया, थोड़ी सी देर में ही कट गया ये। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। गर्मियाँ भी अब आने वाली है तो सोच रही हूँ उसमें चिड़ियों के लिए पानी भरकर रख दूँगी छत पर, देखते हैं। अभी के लिए तो फिलहाल कट कुटा कर रख दिया है। और हस्बैंड जी चले गए थे खाना खाने, तो फिर हमने भी खा लिया खाना, बस एक 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 पूड़ी। बच्चों ने तो ऐसे घूमते फिरते ही खा ली, तो मैंने आपको दिखाया नहीं। ऊपर वाला छत का साफ़ सुथरा कर कर आऊँ तब तक यहाँ हस्बैंड जी ने फिर यहाँ पर कार्टून का ढेर लगा दिया था और फिर गंदा हो गया था, तो फिर लगे हाथ यहाँ पर भी एक बार झाड़ू लगा दी। हालांकि यहाँ तो लगती रहती है दिन में कई बार, क्योंकि बच्चे हैं ना खाते पीते रहते हैं या फिर कुछ भी कचरा कूड़ा करते ही रहते हैं, तो लगती रहती है झाड़ू यहाँ तो। और लगे हाथ यहाँ पर बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, जो कि मेरी दो दिन से मतलब दो दिन ही चलाती हूँ बस, दो दिन से तीसरे दिन तो मैं चेंज कर ही देती हूँ। और ये वाली बेडशीट मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि उनके घर में शायद बच्चे होंगे, और मैंने है ना सारी बेडशीट ऐसे बच्चों वाली ही ला रखी है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी लगती है ये वाली, तो उनको भी पसंद आ गई थी। तो थैंक यू वेरी मच मेरी कोई चीज़ पसंद करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आज गुरुवार है तो पोछा मैं नहीं लगा रही हूँ, नीचे भी नहीं लगाया और ऊपर भी नहीं लगाया। एक दिन पोछा नहीं लगाओ तो देखिए
लिए घर कितना गंदा दिख रहा है, जैसा ही काला है और कितना बद्दा बद्दा दिख रहा है। तो बच्चे दोनों ही चले गए थे, यानी कि एक चला गया था स्कूल और एक को मैंने सुला दिया है फटाफट, क्योंकि मुझे है ना कटिंग करनी है ब्लाउज की। जी हाँ, तो ये पहनना है मुझे कल परसों ही, इस वजह से मैं फटाफट स्पीड से काम कर जो भी थोड़ा बहुत शूट हुआ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ब्लाउज़ सिलने की तैयारी हो रही है मेरी, तो ये वाला फ्रंट का मैं कटिंग कर रही हूँ जो भी मेरी नाप है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं करती हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज पहनती हूँ, मुझे कमेंट भी आया था कि आप कौन से पहनते हो ब्लाउज, तो मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज पहनती हूँ जो कि कुछ इस तरीके से कटिंग करती हूँ। शायद ब्लाउज के बारे में तो मुझे कमेंट नहीं आता है कि आप इसकी कटिंग बताओ, लेकिन सोचा कि चलो थोड़ी बहुत तो शेयर कर ही देती हूँ, शायद आपके कुछ हेल्प हो जाए। या फिर वही है ना कि यार रोज़ वीडियो में क्या शेयर करो समझ में ही नहीं आता है, किस वीडियो पे क्या व्यू आते हैं, किस वीडियो पे क्या व्यू आते हैं। तो थोड़ा बहुत आपसे सपोर्ट चाहूँगी कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो, तो मैं उस अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँगी। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो, मेरा बस डेली रूटीन या फिर उसके अलावा कुछ भी, जहाँ मैं घूमने फिरने जाती हूँ वहाँ की भी शूट करूँ या फिर नहीं, बस आप डेली रूटीन ही देखना पसंद करोगे, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर बातों में मेरी जो ब्लाउज की कटिंग है वो हो गई है, और इसकी आस्तीन की भी अब कटिंग कर लेते हैं। और एक बात और, आप मुझे किस किस शहर से या फिर किस किस राज्य से देख रहे हो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट ज़रूर करना। और आज तो मैंने फर्स्ट में ही बोल दिया, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलना, आप लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना और कमेंट आप मुझे ज़रूर करना कि आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करोगे, मतलब किस तरह की और कौन से शहर से हो आप, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी जो YouTube फैमिली है वो कहाँ से है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि अभी अभी ही मेरा जो YouTube चैनल है ग्रो हुआ है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ 100-200 व्यूज़ आते थे, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी हमारी YouTube फैमिली बड़ी हुई है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मतलब मैंने तो बता दिया है कि मैं MP से हूँ और रतलाम के पास की रहने वाली हूँ, ससुराल मेरा यहाँ है, मायका मेरा मंदसौर के पास में है MP राज्य से। ठीक है, आप बताना आप कहाँ से हो। तो यहाँ पर मैं पीछे वाले गले की थोड़ी बहुत डिज़ाइन देने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मुझे ना बहुत शौक है डिज़ाइन वाले गले पहनना आस्तीन, लेकिन इतना समय नहीं मिल पाता है कि इनमें ही अपन डिज़ाइन वाले लगाए पहने, क्योंकि उसके अलावा घर में भी काफ़ी सारा काम होता है, आपने देखा ये मेरे मॉर्निंग रूटीन या फिर डेली के काम देखते ही हो बच्चों के साथ, तो इतना ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ पड़पन, जो होता है टाइम से जो याद आ जाए कि ये रख लूँ तो वो रख देती हूँ, बाकी तो नहीं हो पाता है। पर यहाँ पर ये देखिए थोड़ा बहुत सिल दिया है, बाकी मैं आपको सिल के दिखाती हूँ अभी। तो बस इतना ही हम सिल पाए जितने हमारे किट्टू बाबू आ गए हैं, तो बस सिलाई हमें यही करनी पड़ेगी बंद और वीडियो भी यही करना पड़ेगा एंड। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।